माय नेम इज सना बीबी एंड माय रोल नंबर इज 18363। जो हमने प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है वो क्राइम रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका मतलब है कि हमने क्राइम रिकॉर्ड को मैनेजमेंट सिस्टम आगे ऐड लॉगिन मॉड्यूल विद डेटाबेस एंड 2-3 अदर मॉडल्स के साथ हमने इसको 2-3 अदर मॉडल भी इसमें ऐड करनी है। एंड देन हम क्लिप्स में जाएंगे, उसके बाद हम लॉगिन मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे मेन मॉडल को। मेन मॉडल में हमने जो मेन फंक्शन है उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल किया है। कंस्ट्रक्टर में हमारे सारे जे यू आई की चीजें हैं कि हम ये पैनल किस तरह बनाना है, इसका कलर क्या है होगा, इसका साइज क्या होगा, इस तरह। इसमें हमारे पास 3 बटन्स होंगे, सबसे पहले रिपोर्टर का और उसके बाद क्राइम का और देन लॉगिन का। अगर हम रिपोर्टिव वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो रिपोर्ट वाला क्रिएट फ्रेम क्रिएट हो जाएगा कंस्ट्रक्टर से आगे। देन हमारे पास ये पैनल्स हैं लॉगिन मॉड्यूल के, ये चीजें हमारे कंस्ट्रक्टर में। सबसे पहले क्रिएट कंस्ट्रक्टर का मेथड है, इसे पहले हम देख लेते हैं क्योंकि इसे डेटाबेस से कनेक्ट करना है। इसमें बेसिकली जो ड्राइवर है ना हमारा वो एम कंस्ट्रक्टर जावा है। इसमें एग्जाम का हमने यूआरएल देना है, ये इसका फाइल यूजर और पासवर्ड है जो कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा ड्राइवर के लिए। कनेक्शन से हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट एसक्यूएल की क्वेरीज को रन करने के लिए यूज होता है। एंड फॉर एग्जांपल इसमें डेटाबेस बना रहे हैं, ये इसमें जाएगी तो डेटाबेस बन जाएगी। टेबल बना रहे हैं तो इसी तरह डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद एम्प्लॉय का टेबल है और इसमें एक आईडी है, डिपार्टमेंट है और एक पासवर्ड है। और एम्प्लॉय की क्योंकि हमने ये एम्प्लॉय की आईडी प्राइमरी होगी क्योंकि हमने इसे रिपीट करना है इस वैल्यू को जो आईडी यूजर से एम्प्लॉय। अब नेक्स्ट हम वैल्यूज इंटर करेंगे, ये हमारी डिफॉल्ट वैल्यूज होंगी जिनसे हम आउटपुट में लॉगिन करेंगे। 1, 2, 3 ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ एक बटन है लॉगिन का। तो हमारे पास यहाँ एक बटन है लॉगिन का, उस पर हम ये कंस्ट्रक्टर है जब क्रिएट हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ एक बटन है लॉगिन का, इस पर अगर क्लिक किया तो ये जो लॉगिन वाला फ्रेम है ये चेक करेगा कि हमने कोई वैल्यू एंटर की थी कि नहीं। अगर तो कोई वैल्यू डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है तो ये वाला फंक्शन इस एम्प्लॉय का चेक कर रहा है कि हमें ये वाला कोड सेंड करेगा कि ये वाला आईडी है या पासवर्ड है। ये चेक करना है कि डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो जो डेटाबेस है ना वो हमें ये रिटर्न सेट करेगी, रिजल्ट सेट करेगी। रिजल्ट सेट में जो वैल्यू हो उसको सिलेक्ट करेंगे। इस मेथड के लिए से रिटर्न रो में सबसे पहले रो को सिलेक्ट करेंगे। इस मेथड के जरिए से ये रिटर्न बोल करता है, अगर तो टर्न होगा तो मींस ये डाटा एग्जिस्ट करता है। तो हम ये के ये तो हम तो ये एम्प्लॉय होगा, अगर इसे लॉगिन कर लेते हैं अदरवाइज एरर आ जाएगा। तो ये मेथड ओवरऑल है, ये भी रिटर्न बोल करता है तो हमें पता चल जाएगा ये एम्प्लॉय है या नहीं। अगर ये एम्प्लॉय हम केसेस वाले फ्रेम में बताएंगे तो वो उसमें भी चला जाएगा। इसी तरह फ्रेम में हमारे पास बैकग्राउंड की चीजें हैं और बटन है, एक वेंटेड का बटन है
और एक वेंटेड का बटन है, और वेंटेड वाला फ्रेम बनाने के लिए, और एक मेन का बटन है, बैक बटन है। बेसिकली ये फ्रेम को वापस जाने के लिए, इसमें हमारे पास एक टेबल है, टेबल में हमारे पास कॉलम्स की वैल्यू है। हम टेबल मॉड्यूल के जरिए से टेबल बनाएंगे। टेबल मॉड्यूल ये होता है कि इससे टेबल का जो स्ट्रक्चर है ना, वो ये उसको उसको डिफाइन करता है, और ये हमें एक मॉडल दे देगा। हम इससे टेबल बनाएंगे और मॉडल के जरिए से इसका सेट साइज कर दे साइज को सेट करेंगे सेट बॉन्ड से, और इसकी वैल्यू को फिल कर दिएंगे सेट बॉन्ड से, और रैंडम वैल्यू से करेंगे। तो फिल तो इनमें से कॉलम के लिए ये वैल्यू है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट की एक अरे है। इनको हमने जो टेबल मॉडल है ना, ऐड रो के जरिए ऐड करना है। नेक्स्ट हमने अगर मेन पे जाना है तो बैक बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट अगर हम वेंटेड वाला फ्रेम चाहिए तो वेंटेड फ्रेम में ये होता है कि अगर हम केसेस वाले बटन पर चले जाएंगे तो मेन बैक ये सेम है, लेकिन इसके कॉलम डिफरेंट हैं, और इनमें मेथड सेम है, टेबल बनाने का, मॉडल वगैरह बनाने का, लेकिन जो वैल्यू है ना वो डिफरेंट है थोड़ी सी। और इसमें हम चेक करते हैं कि क्रिमिनल का स्टेटस जो है वो क्या है। एक इन कैप्टिविटी है, एक ऑन रन है, और तीसरा है पास रिकॉर्ड है। जो केसेस में हमने चेक किया था वो हमने केस का स्टेटस चेक कर रहे थे कि ओपन है कि रीओपन है। इसमें हम क्रिमिनल का स्टेटस चेक कर रहे हैं कि तो इससे ये ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंप्लेन और रिकॉर्ड का बटन। तो कि इसके बाद हम रिपोर्ट में जाएंगे, क्योंकि ये एक यूजर है और जो रिपोर्ट क्राइम रिपोर्ट करना चाह रहा है, तो इससे फ्रेम में इसी तो ये इसी फ्रेम में आएगा। इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इसने सारा डाटा इंटर किया है कि नहीं, जो फील्ड में इनमें है, फील्ड में है या नहीं। जो लोकेशन और डिटेल्स हैं वो लाजमी इंटर करनी है, अदरवाइज एरर आ जाएगा। अगर ये चीजें एंटर हैं तो हम रिपोर्ट सबमिट करवा दें हैं, और ये एक मेथड है। और ये एक मेथड है। इसके बाद हमारे पास सेम कंप्लेन का बटन है। इसमें हम पिछली तरह वैल्यू नहीं पूछनी, क्योंकि ये कंप्लेन है। इसमें हमारे हमने कोई डिटेल्स, कोई लोकेशन, कोई वैल्यू हमने इसमें एंटर नहीं करनी, ये करना लाजमी नहीं है, और इसके बगैर भी हम कंप्लेन को सबमिट करवा सकते हैं। अब इसमें एक मेन बटन है जो बैक जाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम इसको एक्लिप्स में रन करेंगे। इसके बाद हम एक्लिप्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले ये क्राइम पोर्टल आएगा, इसमें रिपोर्ट क्राइम और कंप्लेंट आएगी। इसके बाद इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने से क्राइम पेट्रोल में सबसे पहले आएगी कैटेगरी, डिटेल्स, लोकेशन। तो कैटेगरी में हम कुछ भी इसकी कैटेगरी कुछ भी लिखते हैं। डिटेल्स में फॉर एग्जांपल हम बी लिखते हैं। देन डिटेल्स में बी, और अर्जेंट लोकेशन में भी कुछ भी लिख सकते हैं, और उसको रिपोर्ट करते हैं। इस तरह क्राइम कोड की डिटेल्स। इसके बाद नेक्स्ट ये हमारी रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। इसके बाद हम कंप्लेनेट पे जाते हैं। इसमें सबसे पहले कैटेगरी है, कैटेगरी में आप कुछ लिख सकते हैं, डिटेल्स, डिपार्टमेंट। कैटेगरी में फॉर एग्जांपल ए लिखते हैं।
डिटेल्स में भी कुछ भी लिख सकते हैं और डिपार्टमेंट में भी कुछ भी एंड देन सबमिट। ये हमारी कंप्लेन सबमिट हो गई। एंड देन हम लॉगिन का बटन पे जाते हैं जिसको हमने डेटाबेस के साथ से कनेक्ट किया है। इसमें सबसे पहले हम एम्प्लॉय की आईडी देते हैं, फॉर एग्जांपल 123, और डिपार्टमेंट आईडी में लिखने की जरूरत नहीं है। एंड देन पासवर्ड आईडी में भी हम 123 देन लॉगिन करते हैं। इसमें हमारे पास ये एक्टिव केसेस आ जाएंगे। एक्टिव केसेस ओपन रीओपन होगा, ये हमारे पास क्रिटिकल लेवल डिपार्टमेंट आईडी आईडी केस। देन हम बैक जाएंगे मेन में, एंड इस तरह हम 123 एंड नेक्स्ट 123 पासवर्ड आईडी देंगे। इसी तरह ये एक्टिव केसेस हैं, एक्टिव केसेस में वो हमें बता रहे हैं कि ये ओपन है रीओपन है। देन नेक्स्ट बैक जाएंगे। इसमें क्रिमिनल का जो रिकॉर्ड है वो ओपन और रीओपन होता है। देन क्रिमिनल केसेस पे हम जाएंगे, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पे। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वो बता रहे हैं कि क्रिमिनल ऑनलाइन है, पास्ट रिकॉर्ड है या इन कैप्टिविटी है। इसके बाद हम बैक और देन लॉग आउट कर देंगे।